तो हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं कि आप जो है कि कोई भी बिल्ड को आप लोग अपने पुराने सर्वर से कॉपी कर सकते हैं और आपके जो कि न्यू वाले सर्वर में उसको जाकर पेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो कि अगर आप लोग कहीं से उसको डाउनलोड किए हैं, जैसे कि यूट्यूब पर से डाउनलोड किए हैं या फिर जो आप गूगल से डाउनलोड किए हैं, तो आप जो है कि अपने खुद के सर्वर में आप लोग उसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है कि पूरी वीडियो शुरू से लास्ट देखिएगा, आपको जो स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आप जो है कि इसको साइज से कॉपी करके पेस्ट कैसे कर सकते हैं, या फिर जो आप डाउनलोड करके उसको जो कि कौन से फाइल में लगाना है और उसको जो कि पेस्ट कैसे करना है। तो चलिए बिना टाइम इसकी वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई, तो और देखिए आज का अपने एडनोस के सर्वर पर, और ये जो आपको हम सारे स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो आप जो कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना अगर आपका एक भी स्टेप स्किप हो जाएगा ना तो आपका जो है कि कोई भी चीज़ आप कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर जो आप कहीं से उसको डाउनलोड किए तो आपके सर्वर में पेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप जो कि पूरी वीडियो शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ जो आपको इसको लगाने के लिए एक प्लगइन का जरूरत पड़ेगा। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं वो प्लगइन कौन सा होने वाला है। यहाँ जो आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है और आपको जो कि प्लगइन वाले फाइल में आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे जो बहुत सारा प्लगइन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ जो आपको सेकंड नंबर पर देखने मिल जाएगा वर्ल्ड एडिट फॉर बकेट, आपको जो कि इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और इसको क्लिक करने बाद जो है ना आपको ऐसे स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पे जो आपको बहुत सारा वर्जन देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो सेकंड वाला दिख रहा है 1.20.4 वाला, आपको जो कि इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो हमारे समय जो कि ऑलरेडी जो कि इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, लेकिन आपके समय में नहीं होगा तो आप जो कि इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसको इंस्टॉल करने का क्या करना है, आपका जो सर्वर है ना इसको जो कि आपको ऑनलाइन कर लेना है। और जब आपका सर्वर ऑनलाइन हो जाएगा ना, तब जो कि आपका जो वर्ल्ड एडिट फॉर बकेट का प्लगइन डाले हैं उसका जो कि फाइल बन जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पे जो कि इसे स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पे आपको फाइल वाले जाना है। ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर जो कि आपको यहाँ पे जो कि स्क्रॉल डाउन करना है। तो हम से जब स्क्रॉल डाउन करते हैं और फिर आपको जो कि यहाँ पे प्लगइन के अंदर जाना है, और प्लगइन के अंदर जाने पर क्या करना है, यहाँ पे जो आपको स्क्रॉल करके पूरा नीचे जाना है, आपको जो फाइल का प्लगइन का जो फाइल है ना आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो ये हमारा जो कि प्लगइन का फाइल वर्ल्ड एडिट नाम से, आपको जो कि इसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका जगह बहुत सारा फाइल शो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको चार फाइल देखने को मिलेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको एक सिमेट्रिक नाम से देखने को मिल जाएगा, तो आपको जो कि इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके अंदर जो आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पर कोई भी फाइल जो कि अपलोडेड नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप जो कि अपलोड पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको फाइल देखने को मिलेगा, आपको फाइल पर क्लिक करना है। और फाइल पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो मोबाइल है ना यहाँ पर जो कि चार ऑप्शन देगा, तो आपको जो अपने फाइल वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। जहाँ जो फाइल पर हम क्लिक कर दिए हैं और हमारे यहाँ जो फाइल मैनेजर ओपन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, अगर आप डाउनलोड किए हैं तो आपका जो डाउनलोड फाइल में जाएगा, या फिर अगर आप उसको कहीं पे रखे हैं तो आपको जो उस वाले फाइल में चले जाना है। तो हम जो यहाँ पे सिमेट्रिक का फाइल बना के सारा सिमेट्रिक यहाँ पे रखे हुए हैं, तो हम जो यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं और हमको जो यहाँ पे जो लिखा हुआ ना एक जापान इसमें लिखा हुआ है, इसम लिखा हुआ है, तो हमको जो इसको लगाना है। तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और फिर हमारा जो कि ऑटोमेटिक जो सिमेट्रिक होगा ना ये जो यहाँ पे अपलोड होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमको वेट करना है अपलोड होने का। तो हमारा जो यहाँ पे सिमेट्रिक अपलोड हो चुका है, अब आपको क्या करना है, आपका जो सर्वर है ना इसको जो आप अगर ऑनलाइन है तो आप जो कि रीस्टार्ट कर लीजिएगा, या फिर अगर ऑफलाइन है तो आप जो कि ऑनलाइन कर लीजिएगा। और हाँ, अभी जो कि आपको हम एक और चीज़ बताने वाले हैं कि आप जो कि किसी और के सर्वर, मतलब आपका जो पुराना सर्वर है आप उसको ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ से आप लोग कोई भी चीज़ों को डाउनलोड करके आपको जो कि न्यू वाले सर्वर के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो आपको हम वीडियो में दिखाने वाले हैं, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ से हमारा जो कि सिमेट्रिक लग चुका है, तो अब जो कि हम सर्वर को ऑनलाइन करते हैं और फिर अपने एडनोस सर्वर में चलते हैं और वहाँ जो कि इसको पेस्ट करके आपको दिखाते हैं। और आपको जो कि एक बार और बता देते हैं कि आपका जो ये सिमेट्रिक का हम फाइल जो अपलोड किए इसके अंदर ना, ये जो कि आपको कहीं से भी डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको जो कि डाउनलोड करने का दो तरीका है, आप जो कि गूगल से जाकर के कोई भी आपको मनपसंद बिल्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो आप अपना खुद का एक स्पॉन पॉइंट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो कि आप लोग यूट्यूब से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है जी कि आपका जो पुराना जो सर्वर है उसके अंदर से जी कि आप इसको डाउनलोड करके और आपको जो कि न्यू वाले वर्ल्ड के अंदर, मतलब सर्वर के अंदर डाल सकते हैं। यहाँ जो चलिए आपको सर्वर को ऑनलाइन करते हैं और फिर चलते हैं सर्वर में और वहाँ पे आपको दिखाते हैं इसको जो कि पेस्ट कैसे करना है। तो और देखिए, अब जो हम सर्वर ज्वाइन कर लिए हैं और यहाँ जो आरटीपी कर लेते हैं, उसको जो आपको हम दिखाते हैं, यहाँ जो आरटीपी कर लेते हैं। सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि आपको जो कंसोल पर जा करके आपके आईडी पर ऑपरेटर ले लेना है। ठीक है, ऑपरेटर लेने के बाद क्या करना है, आपको जो सर्वर में जाना है और फिर आपको जो है कि यहाँ पे बहुत सारा अगर आप लोग सिमेट्रिक अपलोड करके रखे हैं तो आपको जो यहाँ पे चैट में जाना है और फिर यहाँ पे लिखना है डबल स्लैश, फिर लिख देना है सिमेट्रिक, उसका लिख देना लिस्ट।
ठीक है, इतना लिख करके आपको मैसेज को सेंड कर देना है। आप जैसे सेंड करेंगे आपके सर्वर में कितने इस्टीमेटिक लगे हुए हैं वो जो है कि आपको चैट में यहाँ पे दिख जाएगा। तो हमारा जो है कि यहाँ पे एक इस्टीमेटिक लगा हुआ है तो हमको जो है कि यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके सर्वर में बहुत सारा होगा तो आप जो है कि यहाँ पे ऐसे करके देख सकते हैं आपके सर्वर में कौन कौन सा है। तो अभी जो है आपको हम दिखाते हैं कि इसको जो है आप लोड कैसे कर सकते हैं, मतलब लोड करने का मतलब ये होता है कि आप जो है इसको पेस्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चैट में जाके लिखना है डबल स्लैश, इसको लिख देना इस्टीमेटिक, इसको लिख देना लोड। लोड लिखने वजह की जो इस्टीमेटिक का नाम है ना आपको जो कि वो लिखना है। तो हमारे इस्टीमेटिक का नाम जो है कि जापान डॉट इस्टीमेटिक है, तो हमें आप जो कि लिख दिए हैं। और आप जो है कमांड बढ़िया से देख लिया, डबल स्लैश लिखना है, फिर इस्टीमेटिक लिखना है, फिर लोड लिखना है, और आपका जो इस्टीमेटिक है उसका जो कि आपको पूरा नेम लिखना है। ठीक है, तो आपको जो कि नेम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कमांड बता दें आपको नेम लिखने का, या फिर आपको सर्वर में कितने सारे आप जो इस्टीमेटिक अपलोड कर रखे हैं सारा जो कि आपको यहाँ पे लिस्ट देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो सही सही पूरा स्पेलिंग बाय स्पेलिंग पूरा बढ़िया से लिखना है, और फिर आपको जो मैसेज को सेंड करना है। आप जैसे ही मैसेज को सेंड करेंगे आप जो चैट में लिख करके आ जाएगा कि आप जो कि इसको पेस्ट कैसे, मतलब पेस्ट करने का आपको कमांड क्या लिखना है। तो आपको चैट में आना है, फिर यहाँ पर आपको लिखना है डबल स्लैश पेस्ट कर देना। ठीक है, यहाँ जो लिख देना डबल स्लैश पेस्ट, इसका मैसेज को आपको सेंड कर देना है। आप जैसे ही मैसेज को सेंड करेंगे आपका जो बिल्ड है ना वो जो है पेस्ट हो जाएगा। और अगर आपका बिल्ड बहुत बड़ा है तो वो जो कि टाइम लगाएगा और जो कि आपका मतलब सर्वर लैग भी होगा थोड़ा सा। तो आपको क्या करना है, आप जो पेस्ट करने वाले तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो अभी जो हमारा यहाँ पे बिल्ड जो कि पेस्ट हो चुका है, तो यहाँ से आपको हम दिखाते हैं हमारा कौन सा हम बिल्ड पेस्ट किए हुए हैं। जो आपको जब हम थंबनेल के अंदर दिखाया है ना वही जो बिल्ड यहाँ पे हम पेस्ट किए हैं। तो आप जो कि ऐसे करके आप बिल्ड कोई भी आपको जो कि कहीं से भी डाउनलोड करके उसको पेस्ट कर मतलब पेस्ट कर सकते हैं। और अभी जो कि आपको हम दिखा देते हैं कि अगर आप गलती से इसको कहीं गलत जगह पे पेस्ट कर दिए हैं तो आप जो कि इसको हटा करके दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको चैट में जाना है, फिर यहाँ पे लिखना है डबल स्लैश, इसको लिख देना है अंडू। आप जैसे स्लैश डबल स्लैश अंडू लिख के मैसेज को सेंड करेंगे आपका जो आगे जो बिल्ड है ना जो पेस्ट किए थे आप वो जो कि वहाँ से गायब हो जाएगा। और फिर जो है कि आपको जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे जाकर आप उसको जो कि पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पे बिल्ड जो कि हट चुका है, तो हम जो कि इसको इधर में जाकर पेस्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे जो गलत जगह हो गया था पेस्ट करने का, तो हम जो कि ये हमारा जो कि राइट जगह है, तो हमको जो कि यहाँ पे पेस्ट करना है। तो अगर आपको नीचे करना है तो आप नीचे कर सकते हैं, ऊपर करना है तो आप उसको हवा में भी कर सकते हैं। तो हम जो कि फिलहाल इसको जो कि हवा में कर लेते हैं। यहाँ पर हम चैट में आते हैं, फिर लिखते रहते हैं डबल स्लैश, इसको लिख देना पेस्ट, और फिर जो कि हमें पेस्ट लिख करके हम मैसेज को सेंड कर देंगे। और सेंड करने वजह का हम थोड़ा सा फिर से यहाँ पे वेट करेंगे इसको पेस्ट होने का। और फिर जो कि यहाँ पर थोड़ा सर्वर भी लोड होगा, और क्या बोलते हैं लोड नहीं मतलब लैग होगा, और थोड़ा सा आपको जो कि यहाँ पे टाइम भी वेट करना पड़ेगा। तो हमारे जगह बिल्ड जो सक्सेसफुल यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, और यहाँ आप देख सकते हैं जो कि बिल्ड हमारा जो दोबारा वही वाला बिल्ड जो कि यहाँ पे हम पेस्ट कर लिए हैं। तो आप जो है इसको इस्टीमेटिक वाले फाइल में डाल करके और आपके खुद के सर्वर में उसको जगह पेस्ट कर सकते हैं। और अभी जो आपका मेन चीज़ आपको बताते हैं कि आपका जो ओल्ड सर्वर है, आप जो कि अपने ओल्ड वाले सर्वर के अंदर से जा करके आप जो कि अपने स्पॉन पॉइंट को या फिर कोई भी आप लोग बिल्ड को आप लोग जो कि स्कीमेटिक फाइल बना सकते हैं, और आपका जो न्यू वाला सर्वर है ना उसको जो कि प्लगइन वाले फाइल में जा करके उसको मतलब डाल करके अपलोड करके और आपका जो न्यू वाला सर्वर उसके अंदर जो उसको लोड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको जो आपका वो जो वांड होगा ना, वांड का आपको जो कि जरूरत पड़ेगा, तो हम जो यहाँ पे स्क्रिप्ट से निकाल लेते हैं। आप जो इसको कमांड से भी निकाल सकते हैं, आपको चैट में लिखना है डबल स्लैश वांड लिखना है, आपको जो कि वुडन एक्स मिल जाएगा। और फिर आपको जो है कि यहाँ पे दो कॉर्नर पे मार्क लगाना होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये जो कि ये चीज़ आपको करने नहीं आता है तो इसके ऊपर जो हम वीडियो बना के अपलोड किए हुए हैं, आप जो वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो हम जो है पहले इस कॉर्नर पे इसको मार्क लगा लेते हैं, इस पर हम जो कि लॉन्ग क्लिक करेंगे, सॉरी नीचे से क्लिक करना है। यहाँ जो हम लॉन्ग क्लिक करके फर्स्ट मार्क लगा लिए हैं, और हमको जो कि अब दूसरे कॉर्नर पे जाना है ऊपर के साइड में। ठीक है, एक कॉर्नर पे जो कि हम नीचे लगाए हैं और दूसरे कॉर्नर पे जाकर हमको ऊपर के साइड में मार्क लगाना है। ठीक है, तो हम चलिए दूसरे कॉर्नर पे चलते हैं, और दूसरे कॉर्नर पे जो कि आप कितना बड़ा है भाई, तो यहाँ जो हम दूसरे कॉर्नर पे आ चुके हैं पूरा बढ़िया से हमें देख लेते हैं। हाँ, ये रहा कॉर्नर। अब हमको जो यहाँ पे ऊपर जाना है, जितना बड़ा हमारा बिल्ड है ना उतना ऊपर जाना पड़ेगा। तो हमारा जो बिल्ड इतना ही बड़ा है तो हम इतना ऊपर कर लेते हैं। फिर आपको जो चैट में जाना है, और फिर यहाँ पे आपको लिख देना है डबल स्लैश पोज, इसको टू मैसेज को सेंड कर देना है, आपका जो है पे सेकेंड पोज हो जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, आपको जो कि नीचे जाना है, आपको जहाँ से इसको कॉपी करना है, मतलब कॉपी नहीं करना है, पहले आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जो आपको नीचे आ चुके हैं, हमको जो कि यहाँ से नीचे से कॉपी करना है। अगर हम यहाँ से कॉपी करेंगे और कहीं भी जाकर इसको पेस्ट करेंगे ना, यहीं से पेस्ट होने वाला है। तो हम इसको चैट मिलते हैं, और फिर यहाँ पर लिखेंगे डबल स्लैश, इसको लिखेंगे कॉपी, मैसेज को सेंड कर देंगे। हमारा ये जो बिल्ड है ना ये जो कि कॉपी हो चुका है। और फिर जो कि आपको जो कि इसको इस्टीमेटिक बनाना है अब, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कि इसको चलना है डबल स्लैश, इसको लिख देना है इस्टीमेटिक,
स्टेमेटिक लिखना भाई। स्टेमेटिक लिखने बाद जो है ना आपको यहाँ पे लोड नहीं करना है, आपको जो कि सेव करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं सेव, इसका जो आपका स्टेमेटिक है ना उसका आपको नाम क्या देना है। तो हमारा जो कि जापानीज हाउस है, बट हम जो कि इसको फिलहाल के लिए जो कि कोई भी नाम देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं सब्सक्राइब। तो आप जो कि ये देख करके रेड वाला बटन होगा क्लिक कर दीजिएगा। चलिए एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। सब्सक्राइब लिखने वाले जो कि आपको यहाँ पे थोड़ा स्पेस वगैरह नहीं डालना है, आपको डॉट लिख देना है और फिर यहाँ पे लिख देना है इस चेन। इतना लिख करके आपको जो कि मैसेज को सेंड कर देना है। आप जैसे सेंड करेंगे आपका जो कि ये जो हाउस है ना ये स्टेमेटिक फाइल बन के आपका जो स्टेमेटिक का फाइल है ना उसके अंदर जो कि आ जाएगा। और आपको चेक करना है कि आपका जो स्टेमेटिक फाइल ये सेव हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको जो कि चैट में आना है, फिर यहाँ पर लिख देना है डबल स्लैश, इसको लिख देना है स्टेमेटिक, इसको लिख देना है लिस्ट और लिस्ट के मैसेज को सेंड कर देना है। अब यहाँ पर देखें हमारा जो पहले एक ही स्टेमेटिक था, लेकिन अभी जो हमारा पे दो स्टेमेटिक दिखा रहा है। तो आप जो है कि ऐसे स्टेमेटिक का फाइल जो कि बना सकते हैं। अब इसको अगर आप लोग डाउनलोड करके अपने दूसरे सर्वर में लगाना चाहते हैं तो वैसे भी चलिए आपको हम दिखा देते हैं एक बार, वरना जो कि आप लोग को समझ नहीं आएगा और आप लोग जो कि कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए हम एटर्नोस में चलते हैं और आपको वहाँ पे दिखाते हैं जो आपको क्या बोलते हैं एस्टिमेटिक जो आप सेव किए हैं वो आपको कहाँ पे मिलने वाला है। तो और आज का मैं एटर्नोस सर्वर में यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो है थ्री डॉट पे क्लिक करेगा, आपको जो है स्क्रॉल डाउन करना है और फिर आपको यहाँ पे फाइल में जाना है। और फाइल में जाने के बाद जो है ना आपको भी फिर से यहाँ पे जो स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा नीचे करने जाना है और फिर यहाँ पे आपको प्लगइन में जाना है। प्लगइन में जाने के बाद जो है ना आपको जो पूरा एकदम नीचे स्क्रॉल करके चले जाना है, तो ज़्यादा ही नीचे आ गए। और यहाँ पर जो है कि आपको एक वर्ल्ड एड का जो फाइल आपको दिखाए थे ना आपको जो कि इसके अंदर जाना है। और यहाँ पर जाने वजह कि आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ नीचे जाना है और फिर यहाँ पर जो आपको एस्टिमेटिक नाम का फाइल देखने मिल जाएगा, आपको जो कि इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर यहाँ पर जो आपका जितना भी एस्टिमेटिक आप सेव किए हैं या फिर जो अपलोड किए हैं सारा जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो कि यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और आपका जो न्यू सर्वर उसके अंदर जो आप फाइल के अंदर जाकर इसको अपलोड कर देना है और फिर सर्वर के अंदर जाकर इसको लोड कर लेना है। तो आई होप जी कि आपको ये जो कि सारी चीज़ें जो कि करने आ गया होगा, आपके ओल्ड सर्वर से कोई वीडियो को आप जो न्यू सर्वर में पेस्ट कर सकते हैं या फिर जो आप डाउनलोड करके उसको जो अपने न्यू सर्वर में पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी करके दूसरे जगह आप पेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप जो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लीजिएगा और आप जो वहाँ से हमसे जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको जो भी कन्फ्यूजन होगा जो कि वहाँ पे सॉल्व करवा देंगे। तो मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।